हाँ तो भाई लोग, फैम पे में एक बहुत ही खतरनाक अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के बारे में मुझे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार इसके टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं उसी के बारे में लेके आ चुका हूँ, ये कीपर का अपडेट। अब अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिला है तो ये आपको कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके इसे आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करोगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यार जो अपडेट है उसमें, बात करने से पहले कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना। यहाँ से देखो, मैं आप लोग के लिए बहुत तरह ऑफर्स वगैरह लाता हूँ जिसको आप कंप्लीट करके काफी बढ़िया पैसे कमा पाते हो। मतलब डेली के आप 50-60-70 रुपए तक क्या अर्निंग कर पाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल की मदद से। तो चलिए हम वापस से अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो फैम पे ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर देखना आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीपर का। अब ये कीपर का क्या मतलब है, इसमें आप लोग पैसे कमाओगे या फिर क्या रहेगा या फिर क्या चीज़ है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में जानोगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे आप इस कीपर वाले पे आप क्लिक करते हो तो कीपर वाले पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने एक ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा स्टार्ट सेविंग का। अब स्टार्ट सेविंग पे जाने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या आखिर में। तो देखो यहाँ पर ऊपर के साइड में आपको एक बॉक्स में यहाँ पर मतलब ऐसा लिखा हुआ है, स्टार्ट सेविंग नाउ सो डैट फ्यूचर यू ईच कवर्ड। मतलब कि आप अभी से सेविंग करो ताकि आप अपने फ्यूचर को कवर कर सको। अब उसी के नीचे साइड आओगे तो देखो यहाँ पर आपसे 29 रुपीज ईयरली चार्ज मांगा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो अगर आपने कोई इसमें फिक्स अमाउंट, जैसे आप होते हैं ना कि SIP करते हैं तो हर महीने की कोई जो पर्टिकुलर डेट होती है उस डेट में आपका पैसा कट जाता है, उसी तरह से यहाँ पर दिया गया कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ से आपको 29 रुपीज़ का ईयरली चार्ज देना रहेगा ताकि आप ऑटो सेव को यहाँ से आप ओपन कर सको, अनलॉक कर सको। अब देखो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसको पेमेंट आप करना चाहो, इसमें आप पैसे ऐड करना चाहो, अगर आप इसमें स्टार्ट सेविंग करना चाहते हो तो आपको सालाना मतलब एक साल का आपको 29 रुपये पे करना पड़ेगा तभी आप इसमें पैसे जो है ऐड कर पाओगे, अदरवाइज फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है मतलब यहाँ पर नहीं होगी। तो देखो अगर आपको इसमें स्टार्ट सेविंग, अगर आपको इसमें पैसे ऐड करना है तो देखो स्टार्ट सेविंग पे जाते हैं। स्टार्ट सेविंग पे जाने से पहले आप इसमें जितना भी पैसे सेव करना चाहता हो इसमें कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 रुपये, तो मैं इसको ऐड करके देखने की कोशिश करता हूँ तो इसमें क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 रुपये ऐड कर लिए हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं यहाँ से हमें कोई कुछ मतलब बेनिफिट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखो हमने 3 रुपये का यहाँ पर हमने कर लिया है पेमेंट, मतलब जो भी हमने सेविंग पे रखा है उसको मैं यहाँ पे कर रखें। अब इसको अगर मुझे निकालना हो, विड्रॉल करना, तो उसको विड्रॉ कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं 2-3 सवालों के जवाब दे दूँ कि क्या इसमें पैसे रखने से हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो भाई नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। प्लस में आप इसमें कोई मिनिमम अमाउंट है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, इसका कोई मिनिमम अमाउंट का यहाँ पर है? नहीं भाई, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने से स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर मैं 2-3 क्वेश्चन और भी थे जो मैं आपको बता दूँ, तो मिनिमम अमाउंट कुछ भी नहीं है। हाउ ऑटो सेव वर्क, यहाँ पे मतलब ये काम कैसे करता है, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज इसमें कुछ इतना खास है नहीं। तो ले देखे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम रहता है जिसको आप सेव करना करके रखना चाहते हो तो आप इसमें रख सकते हो, बाकी इसके अलावा यहाँ से कोई और दूसरा बेनिफिट नहीं है। अब अगर यहाँ से आपको पैसे विड्रॉ करना है तो यहाँ से विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, विड्रॉ सेविंग पे जाते हैं। विड्रॉ सेविंग पे जाने पर यहाँ पर देखो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको किस मतलब चीज़ में निकालना चाहते हो। आप अदर में जाके विड्रॉ पे जाओगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि क्या आप सही में पैसे को निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो आपको येस आई एम श्योर पे क्लिक करना है और उसके आपके पास जितना भी बैलेंस होगा वो बैलेंस को यहाँ से आप विड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। और काफ़ी आसानी से यहाँ पर आपके सामने मैंने पैसे ऐड करके भी दिखा दिया और आपके सामने मैं यहाँ से विड्रॉ करके भी दिखा दिया। तो तीनों ही चीज़ थी जो मैंने यहाँ से आपको बताई है। तो देखो मेरे अकाउंट से जो 3 रुपये गए थे वो 3 रुपये मेरा आ भी चुका है और यहाँ से जो हमारा काम था वो भी हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि क्या इसमें हमें कोई भी तरह का रिवॉर्ड वगैरह मिला है कि नहीं मिला, तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो हम लोग व्यू योर ट्रांजेक्शन्स में आते हैं और यहाँ पर देखोगे तो कोई भी तरह का क्या यहाँ पे हमें रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें जितना भी पैसे पे करोगे या ऐड करोगे उस पर आपको कोई भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा, ना ही कोई फैम कॉइन का बेनिफिट मिल रहा है। और यही ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो आपको नीचे के साइड यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर भी जाके आप इसको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो यार उम्मीद है कि आपको जो मैंने वीडियो में बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी वीडियो बनाने की। और भाई लोग अभी थोड़ा एग्जाम चल रहा है तो इसलिए वीडियो थोड़ा कम आएगा, तो यार आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी कोई इमरजेंसी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके यहाँ पर आप देखना आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा, इस बोर्ड पे भी जाके आप हमसे बातचीत कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।